हेलो माय डियर फ्रेंड्स जी पैट क्लासेस में आपका स्वागत है आज का जो वीडियो है वो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पार्ट थ्री है इसमें कुछ टॉपिक्स है जो कवर करेंगे और इससे पहले कि आपको बता दें इसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें और जी पैट और ड्रग इंस्पेक्टर का इसमें तैयारी होगा देन आगे बढ़ते हैं तो आगे में जो टॉपिक्स है वो सरफेस एंड इंटरफेशल फेनोमना है सरफेस टेंशन जो होता है डिनोटेड है एसटी इसका जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट द सरफेस एट राइट एंगल एन बाई मीटर और डाइन बाई सेंटीमीटर इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ कोसिव फोर्स मतलब कि फोर्स बिटवीन लाइक मोलिक्यूल्स कोसीव फोर्स जो होता है वो फोर्स बिटवीन लाइक मोलिक्यूल्स में आता है एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्फेरिकल ग्लोब्यूल्स इन इमल्सन Second example, shape of falling water drops. Third example, shape of mercury drop on flat surface. Fourth example, rise in capillary tube. Next, interfacial tension. It is denoted as IT. Force per unit length acting at interface at right angle, n by m, indicate strength of adhesive force. That means, फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स ठीक है नोट्स देखते हैं इन जनरल सरफेस टेंशन इज ग्रेटर देन इंटरफेसियल टेंशन बिकॉज इसलिए कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू लिक्विड एट इंटरफेस इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस ओके नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग एस टी एंड आई टी एस टी मीन्स सरफेस टेंशन एंड आई टी मीन्स इंटरफेसियल टेंशन टेम्परेचर डिनोटेड बाई टी इंक्रीजेज कैनेटिक एनर्जी इनक्रीज वीकनिंग ऑफ कोएसी फोर्स हेंस सरफेस टेंशन डिक्रीजेज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सरफेस एक्टिव एजेंट ये जितने भी हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एस टी एंड आई टी यानी कि सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन अगर डिटा डिटरमाइनेशन की बात करें तो डिटरमिनेशन ऑफ एस टी एंड आई टी सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन फर्स्ट इसका जो आता है वो कैपिलरी राइज मेथड होता है इसमें वनली एस टी सरफेस टेंशन कैन बी डिटरमाइंड होगा ड्यूनो ड्यूनो टेंसियोमीटर जो होता है वो बोथ में काम आता है जैसे कि सरफेस टेंसन में भी काम आएगा और इंटरफेसियल टेंशन में भी काम आएगा यह डिटरमाइन दोनों में होता है थर्ड जो होता है बबल प्रेशर होता है फोर्थ ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड होता है ये e, ये भी दोनों में काम आता है सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशल टेंशन में डिटरमाइन करने के लिए राइज मेथड जो होता है वो बेस्ड ऑन यंग्स लैपेल लैपलेस इक्वेशन होता है बेस्ड ऑन लेपलेस इक्वेशन में आता है ये पी इक्ल टू टू गामा बाई आर होता है पी इक्ल टू एच रो बाई जी होता है सो लेमडा सॉरी गामा इक्वल टू एच रो जी इन टू आर बाई टू वेयर इज द सर्फेस टेंशन रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एच इज द हाइट ऑफ ऑक्युपाइड बाई लिक्विड आर इज द इनसाइड रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब नेक्स्ट वर्क ऑफ कोशन वर्क ऑफ क्वेशन क्या होता है इसमें वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मोलिक्यूल्स ऑफ स्प्रीडिंग लिक्विड डब्ल्यू बी इक्वल टू टू गामा एल एस इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी एस इक्वल टू गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस माइनस टू गामा एल एस इक्वल टू वाई एस माइनस वाई एल प्लस वाई एल एस स्प्रेडिंग अकर्स वेन एस इज़ पॉजिटिव जो एस है वो पॉजिटिव है दैट इज सरफेस टेंसन इज सब लेयर लिक्विड इज ग्रेटर देन सम ऑफ द सरफेस टेंसन इज स्प्रेडिंग लिक्विड एंड इंटरफेसियल बिटवीन द सब लेयर लिक्विड एंड स्प्रेडिंग लिक्विड इनिशियली स्प्रीडिंग कॉफिशियंट में भी पॉजिटिव स्प्रीडिंग को जो होता है वो में भी पॉजिटिव होगा और निगेटिव दोनों हो सकता है बट फाइनली इट इज़ ऑलवेज निगेटिव लेकिन ये फाइनल में हमेशा निगेटिव होता है नेक्स्ट एडजॉप्शन एडजॉप्शन इज़ द प्रोसेस इन विच मैटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन फेज एंड कॉन्सेंट्रेटेड एट द सरफेस ऑफ सेकेंड फेज इंटरफेज एक्मुलेशन दिस इज द सरफेस फेनोमिना इज अपोज टू एबजॉर्बशन वेअर मैटर चेंज इन सोल्यूशन फेज एब्जॉर्बेंट मीन्स होता है मेटेरियल बिंग्स एबजॉर्ब एब्जॉर्बेंट मीन्स होता है मेटेरियल डूइंग द एब्जॉर्बिंग एग्जाम्पल इसका होता है एक्टिवेटेड कार्बन और आयन एक्सचेंज रेज इन सरफेस एरिया कैन बी डिफाइंड एज सर्फेस सॉरी सरफेस एक्सेस कैन बी डिफाइंड एज टॉर्क इक्वल टू सी इनिशियल माइनस सी आफ्टर एबजोर्शन इन टू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया वेयर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम विच द एबजोशन इज अक्रिंग इन टू द सरफेस विथ किसके साथ हो रहा है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया नेक्स्ट Surface excess is defined as the mass adsorbed per surface area. A more fundamental definition is given by the Gibbs relation. Okay, d gamma equal to minus sigma i torque i d mu i, where mu i equal to the molar free energy of solute. सी आई इज द बल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूट एंड द जिप्स एक्सप्रेशन सिंपली यूज टॉर्क यूजर्स टॉर्क एज अ प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट टू रिलेट द चेंज इन सॉल्यूट मोलर फ्री एनर्जी टू द सरफेस टेंसन वी इन यूनिट टॉर्क एडजॉर्पन रिजल्ट इसका जो होता है वो होता है इन अ सरफेस कॉन्सेंट्रेशन डी वाई बाई डी सी ग्रेटर देन जीरो रिजल्ट इन डिक्रीजेज में आता है टॉर्क डी वाई डी सी लेसर देन जीरो टाइप्स ऑफ एडजॉर्पन exchange adsorption ion exchange electrostatic due to charge site on the surface adsorption adsorption goes up as ionic charge goes up as hydrated radius goes down physical adsorption wonder walls attraction between adsorbate and adsorbent किसकी किसके साथ हो रहा है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट एट्रैक्शन हो रहा है द एट्रैक्शन इज नॉट फिक्स टू अ स्पेसिफिक साइट एंड द एडजॉर्बेट इज रिलेटिवली फ्री टू मूव ऑन द सर्फिस दिस इज रिलेटिवली वीक रिवर्सिबल एडजॉर्पन कैपेबल ऑफ मल्टी लेअर केमिकल एडजर्पन क्या होता है सम डिग्री ऑफ केमिकल बॉन्डिंग Between adsorbate and adsorbent characterized by strong attractiveness. adsorbate attractiveness hota hai isme. chemical bonding me. Adsorbent molecules are not free to move one sorry on the surface, there is high degree of specificity and type typically and a monolayer is formed. इसमें मोनोलेयर फॉर्म फॉर्म करता है द प्रोसेस इज सेल्डम रिवर्सिबल ये जो प्रोसेस है वो सेल्डम रिवर्सिबल होता है जनरली सम कॉम्बिनेशन ऑफ ए फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव कार्बन एड्जॉर्प्शन इन वाटर एंड वेस्ट वाटर नेक्स्ट एडजन इक्लोबेरिया क्या होता है इफ द एड्जॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट are concentrated sorry contacted long enough and equilibrium will be established between the amount of adsorbate adsorbed and the amount of adsorbate in solution. The equilibrium relationship is described by isotherms Qe equal to mass of material adsorbed at equilibrium per mass of adsorbent ce equal to equilibrium concentration of solution when the amount of adsorbed equals qe qe by ce relationships depend on the type of adsorption that occurs multilayer chemical physical adsorption etc next length. म्यूअर आइसोथम क्या होता है ये दिस मॉडल एज्यूम्स मोनोलेयर ये जो मॉडल है उसको एज्यूम किया जाता है मोनोलेयर कवर्ड एंड कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन द सरफेस एंड एड्जॉर्बिट किसके किसके बीच में सरफेस एंड एडजॉर्बिट के बीच में द मॉडल इज क्यू इक्वल टू के इन टू dot CE by 1 plus K dot CE. qa a uh, represent the maximum adsorption capacity monolayer covers and G solute and G adsorbent. CE has unit of MG by L. K has unit of L by MG. For the Langmuir model, linearization gives C by QE equal to 1 by K dot Q naught A plus CE by Q naught A. A plot of CE by QA vice versus uh, CE should be uh, given a straight line with intercept 1 by K dot Q naught A and slope वन बाई क्यू नोट ओके, देन सेकेंड इज बी ई टी दैट मीन्स ब्रैन्य इमेट एंड टेलर आइसोथम इसमें क्या होता है दिस इज मोर जनरल ये जनरल है uh, ज़्यादा जनरल है मल्टी लेयर मॉडल ये मल्टीलेयर मॉडल भी है इट एज्यूम दैट लैंग्वर लैंगोथम एज्यूम कीजिए कि लैंगथम अप्लाई अप्लाई टू ईच लेयर अप्लाई होता है सभी लेयर पे एंड दैट नो ट्रांसमिशन अकर्स बिटवीन लेयर इट अल्सो एज्यूम दैट देयर इज़ इक्वल एनर्जी ऑफ एडजॉपन फॉर ईच लेयर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट लेयर एक्सेप्ट होता है फर्स्ट लेयर पर क्यू ई इक्वल टू के बी डॉट के बी इंटू सी ई इंटू Q naught A by C S minus C E 1 plus K B minus 1 C E by C S. C S equal to saturation solubility limit concentration of the solute mz by liter K b equal to a parameter related to the binding intensity for the all layer. Okay, next next fluid isotherm for the special case of heterogeneous surface energies particularly good for mixed waste in which the energy term kp varies as the function of surface covers we use the Fredlich model Qe equal to kf c e by 1 by n n and kf are system specific constant for the Fergic Freundlich isotherm use the long long version long qe equal to long kf plus 1 by n long c a long long plot should yield an intercept of long kf and a slope of वन एन फैक्टर्स विच एफेक्ट एडजॉर्पन एक्सटेंड एंड देयर फॉर एफेक्ट आइसोथम आर फर्स्ट एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट इन जनरली अ सॉलबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज़ेज़ द एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्पन डिक्रीज़ेज़ दिस इज़ नॉन एज ल्यूडियस रूल्स ये जो है ये लूडियस रूल से होता है solute solid surface binding competes with solute solvent attraction factors which affected affect solubility include molecular size high molecular weight low solubility ionization so, ionization that means solubility in minimum when compound are uncharged polarity that means as a polarity increase get higher solubility because water is polar solvent पी एच सेकेंड इज पी एच पी एच इज ऑफ टेन सॉरी पी एच इज ऑफ टेन एफेक्ट्स द सर्फेस चार्ज ऑन द एडजॉर्बेंट एज वेल एज द चार्ज ऑन द सॉल्यूट जनरली फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल एज द पी एच गोज डाउन एडजॉर्पन गोज अप जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो पी एच गोज डाउन हो जाएगा उसका एंड एड्जॉर्प्शन गोज अप ऊपर हो जाएगा देन टेम्परेचर आता है एडजर्पन रिएक्शन आर टाइपिकली टिपिकली एक्सोथर्मिक दैट इज हाइड्रोजन रिएक्शन इज जनरली निगेटिव ये निगेटिव होगा हियर हीट इज गिवेन ऑफ बाय द रिएक्शन देयर फोर एज टी इनक्रीज एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्पन डिक्रीजेस फोर Number presence of other solute in general get competition for the limited number of site, therefore get reduced extent of adsorption or a specific material. Next, wetting method, initiate method, intimate contact between solid and liquid, or लिक्विड एंड लिक्विड इसमें जो कांटेक्ट होता है किसके किसके बीच में होता है सॉलिड और लिक्विड में होता है और लिक्विड और लिक्विड में होता है वो वेटिंग मैथड होता है अप्लीकेशन अगर बात करें इसकी तो इनिशियल स्टेप इन प्रिपेसन ऑफ इमल्सन एंड सस्पेंशन सेकेंड इन ग्रेजुएशन प्रोसेस फिल्म क्वाटिंग रिक्वायर्स वेटिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड ओवर टैबलेट सरफेस फिल्म कोटिंग जो होता है ना वो टैबलेट सरफेस पे होता है कोटिंग उसी को नेक्स्ट सरफेक्टेंड यूज फॉर वेटिंग ऑफ पाउडर हैज़ एसेल बी मींस मीन्स हाइड्रोफीलिक लाइपोफिलिक बैलेंस ये होता है सेवन टू नाइन ठीक है इसका फंक्शंस के द्वारा अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो होता है लॉरिंग इंटरफेशियल टेंशन होता है सेकेंड लॉरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड में होता है थर्ड डिस्पर्सिंग एयर एंड परमिट इंस्टीमेट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट एंगल की अगर बात करें तो एंगल बिटवीन लिक्विड ड्रॉपलेट एंड सरफेस ओवर विच इट स्प्रेड इंडिकेट ऑफ इवोल्यूशन एंड एफिसियंसी ऑफ वेटिंग एजेंट Normally lies between zero to one eighty degree, and uh, zero means complete significant wetting, so cos theta equal to one, and uh, one eighty degree means significant wetting. One eighty degree means significant wetting. Next, efficiency of wetting is measured by contact angle method. ये पीछे हम देख लिए और ड्रेवेज टेस्ट तो हम ड्रेवेज टेस्ट जानेंगे ड्रेवेज टेस्ट टाइम फॉर द वेट स्किन ऑफ कॉटन यार्न टू सिंक इन वेटिंग सॉल्यूशन कंटेंट इन फाइव हंड्रेड एम एल क्रिटिकल सरफेस टेंसन सरफेस टेंशन्स ऑप्टेंड एज कॉस इटा इक्वल टू वन क्रिटिकल टेम्पर एट temperature at which surface tension is zero next surface surface active agent ठीक है सर्फेक्टेंट जो होता है वो सरफेस एक्टिव एजेंट इसको बोलते हैं आ, ये होता है амphiphilic molecules that are persinoid At interface and decreases interfacial tension of solution. Second, polar headed group orient towards polar region of solution. Non polar groups orient towards non polar region. And fourth, is polar group or hydrophilic parts of surfactant provides much greater barrier than non polar hydrophobic portion. नॉन पोलर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है पोर्शन ठीक है नेक्स्ट एच एल वी स्केल ठीक है एरिवेट्री स्केल डिवाइज बाय ग्राफिन स्केल ग्राफिन स्केल इसको बोलते हैं एच एल वी स्केल को इंडिकेट uh, एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोफीलिक लाइपोफिलिक बैलेंस सेकेंड रेंज जो होता है इसका ओलिक एसिड का वो एक से लेकर चालीस तक होता है, एक ओलिक एसिड होता है से फोटी सोडियम लोरल सल्फेट होता है इसका रेंज हाइअर द एच एल बी हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस का जो है वो मोर विल बी द हाइड्रोफीलिसिटी ऑफ कंपाउंड कंपाउंड का हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा हुआ देन नेक्स्ट एच एल स्केल की ही बात कर रहे थे तो आगे एच एल स्केल का जो है वो आ, जैसे लैपोफिलिक पोर्शन जो होता है वो ज़ीरो से लेकर एट तक होता है हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो होता है वो एट से लेकर सिक्सटीन तक होता है कैटेगरी है वन से लेकर थ्री तक की अगर बात करें तो इसमें फॉर्मिंग एजेंट आएगा थ्री से लेकर एट की अगर बात करें तो वेट बाई वेल वायल well, इमल्सीफायर आएगा ठीक है डब्लू बाई वो इमल्सीफायर सेवेन से लेकर नाइन की बात करें तो वेटिंग एंड स्प्रीडिंग एजेंट आएगा एट की बात करें तो फॉर्मिंग एजेंट आएगा एट uh, से लेकर सिक्सटीन की बात करें तो वो बाई uh, मतलब वॉयल बाई वाटर इमल्सीफायर आएगा एंड थर्टीन से लेकर सिक्सटीन की अगर बात करें तो डिटर्जेंट में आता है और सिक्सटीन से लेकर एटीन की अगर बात करें तो सोलबेलाइजिंग एजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट एच एल बी मेथड इसका क्या है एच एल बी वैल्यू डिटर्मिनेशन फर्स्ट जो एच एल बी हाइड्रोफीलिक लाइपोफिलिक बैलेंस जो होता है वो इक्वल इक्वल uh, जो होता है हाइड्रोफिलिक लाइपो हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस एन लाइपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस सेवन ये होता है देन सेकेंड एच एल बी की बात करें तो ई प्लस पी बाई फाइव वेयर ई इज़ द परसेंट बाय वेट ऑफ इथिलीन ऑक्साइड चैन इथिलीन ऑक्साइड चैन होता है एंड पी इज परसेंट बाय वेट ऑफ पॉलीहेड्रिक अल्कोहल होता है थर्ड एच एल बी इक्वल टू ट्वेंटी वन माइनस एस बाई ए वेयर एस इज द सेप्नोफिकेशन वैल्यू ऑफ ईस्टर एंड ए इज एसिड वैल्यू ऑफ फैटी एसिड जो ए है वो एसिड वैल्यू होगा फैटी फैटी एसिड का और एस जो होता है सेप्नोफिकेशन होगा सेप्नोफिकेशन वैल्यू वो एस्टर का होगा रिक्वायर्ड एच एल बी मिक्सचर वैल्यू इक्वल टू एफ डॉट एच एल बी ए प्लस 1 minus F HLB B. Next, note common brand names of surfactant. First, polysorbate means twin, and polysorbate ester means span. This is polyoxyethylene laurel ether. थर्ड मिर्ज इज ऑक्सीथिलीन मोनोस्ट्रेट फोर्थ की बात करें तो ट्वीन और पोली ऑक्सीथिलीन डेरिवेटिव्स ऑफ सॉर्बिटिन स्टर्स पोली ऑक्सीइथिलीन मोनो ये ट्वीन जो होता है वो एटी आएगा इसका पोलीऑक्सीन मोनपाल मीटेट ये ट्विन सिक्सटी में आएगा पोली इथिलीन पोली मोनोलावरेट जो होता है वो ट्विन ट्वेंटी में आएगा पोली मोनोमेस मोनो मिस स्टेट जो ट्विन होगा वो फोर्टी में होगा देन ए, क्लास इज ओवर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसमें ज्वाइन होइए बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं